हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। 20वां दिन, 20वीं तारीख, शाम के बज गए 5। हम आ गए आपके साथ अपना 8वां चैप्टर लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक हमारे 8 चैप्टर रिवाइज हो चुके हैं। आई होप आपने रिवाइज कर लिए होंगे, नहीं किए तो अब कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि क्या इस चैप्टर से कुछ डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। The answer is yes, इस चैप्टर से CBSE बोर्ड के लिए पर्टिकुलरली कुछ टॉपिक में डिलीशन हुआ है, एंड द टॉपिक इज एनर्जी। मतलब पूरा एनर्जी टॉपिक ही डिलीट कर दिया गया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में से। तो इस चैप्टर के अंदर आपको एनर्जी टॉपिक दिखता है तो बड़ा बड़ा क्रॉस मार्क लगा दो, दिल को संतुष्टि देने के लिए कि हमको वो अब नहीं पढ़ना। ठीक है, तो यही मेरे को पहले बताना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में से एनर्जी टॉपिक है जो आपको हम नहीं पढ़ना सीबीएसई बोर्ड्स के लिए। बाकी बोर्ड्स की मेरे को नहीं पता, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। तो आपको वो अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि बिना कैरी बनाती रहता है मैं दिमाग में, मैंने कहा चलो कोई नहीं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखो, चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आया हुआ है, ऐसा क्यों है कि कुछ स्टेट्स हैं इंडिया के बाकी स्टेट से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। आई रिपीट, ऐसे क्यों है कि कुछ स्टेट्स इंडिया में बाकी स्टेट से अलग परफॉर्म करते हैं? तो इसका आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि उनके कुछ स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और कुछ स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कनेक्टिविटी की, तो दिल्ली में जो कनेक्टिविटी है वो बहुत एरियाओं से ज्यादा है, तो वहां पर लोग बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, वहां पे जो रिसोर्सेज है बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बाकी शहरों की बात करूं, जैसे मैं कोई छोटे शहर की बात करूं, एटा, इटावा, ठीक है, या फिर और भी कोई छोटा उन्नाव शहर हो गया, वहां पर कनेक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं है। आपने तो नाम भी शायद ही सुने, तो वहां पर उतनी कनेक्टिविटी ज्यादा नहीं है। तो मतलब क्या, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो उतना वो वेल परफॉर्म नहीं कर पाते जितना बाकी अदर स्टेट्स कर पाते हैं। तो वही चीज इन्होंने लिखी हुई है, इट इज बिकॉज दैट स्टेट्स हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरिया, तो वो उसमें बाकी स्टेट से ज्यादा एक्सेल कर जाते हैं। उनके पास, किसी स्टेट्स के पास ज्यादा अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, पंजाब में या फिर हिमाचल प्रदेश में, आपका उत्तराखंड में, या फिर राजस्थान के टॉप एरिया में, तो वहां पे इरिगेशन बहुत अच्छा होता है, वहां पे फसल बहुत उगती, किसान बहुत ज्यादा है, तो वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं। कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, तो कहीं पर पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स मतलब आपके जो रिवर पोर्ट्स होते हैं वो हो गए, जहां से रॉ मटेरियल बाकी कंट्री में इजिली एक्सेसिबल हो जाता है। हमारी जो पूना हो गया, बेंगलोर हो गया, इनको हाईटी हब बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। तो यही चीज वो बताना चाह रहे हैं कि इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स कुछ पर्टिकुलर एरिया में बाकी स्टेट से ज्यादा परफॉर्म करते हैं। जैसे कुछ एरिया में एमएनसीज बहुत ज्यादा होती है, तो उन्हीं एरिया में एमएनसीज क्यों होती है? क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अब बात आती है, सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, समझ में आता है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? हाउ डू वी डिफाइन इंफ्रास्ट्रक्चर? तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है वो सारी सपोर्ट सर्विसेज जो हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए जरूरी होती हैं, उनको बोला जाता है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर। आई रिपीट, वो सारी सपोर्ट सर्विसेज जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को चलाने के लिए यूज होती हैं, उसको बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या हो सकता है सर इंफ्रास्ट्रक्चर? रोड्स, यस, रेलवे, यस, एयरपोर्ट, यस, बिल्डिंग्स, यस, हॉस्पिटल, यस, मतलब जो भी आपको दिखता है कि इस चीज से आपको कुछ मदद मिलती है इंडियन इकोनॉमी को चलाने के लिए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। जैसे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट हो गया, रिवर्स, पानी, ठीक है, पानी तो नहीं बोलूंगा, क्या, एजुकेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस सिस्टम, ये हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यस, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ आर व्हाट, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, डेफिनेशन क्या है? दीज आर द सपोर्टिंग सर्विसेज इन द मेन एरिया। सपोर्टिंग सर्विसेज हैं हमारे इंडिया के मेन एरिया क्या? प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और इंटरनेशनल ट्रेड। तो इन सब के अंदर जो भी सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। एग्जाम्पल ध्यान रखना, एक दो एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा तो डेफिनेशन जब आप लिखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो साथ में एग्जाम्पल लिखना, तो आपका जो आंसर है वो काफी अच्छा दिखेगा। तो जैसे रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट, पावर स्टेशन, ऑयल गैस पाइपलाइन, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, हॉस्पिटल, सैनिटरी सिस्टम,
आपकी सफाई वगैरह, ये सारी चीजें किसका पार्ट बन जाती है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बन जाती है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अंदर और क्या आ सकता है, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम भी आ सकता है, बैंक, इंश्योरेंस, अदर फाइनेंशियल सिस्टम, ये भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी को रन करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ चीजें तो डायरेक्टली इंपैक्ट करती है हमारे प्रोडक्शन पर, और कुछ हमारी चीजों पर इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है, जैसे बैंकिंग सिस्टम हो गया, तो बैंकिंग सिस्टम जो है या फाइनेंशियल सिस्टम है वो हमारी इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। कैसे इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है, वो सिर्फ पैसा देता है, बाकी प्रोडक्शन करना, ट्रांजेक्शन करना, ये बाकी लोग करते हैं। तो दीज आर द सपोर्टिंग सर्विसेज विच आर हेल्पिंग इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, वन मार्क के लिए एक बार आ सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा आता हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, और सोशल में क्या आ जाता हमारा, एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग सेक्टर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कुछ स्टेट्स बाकी स्टेट से ज्यादा अच्छा परफॉर्म क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर उन एरियाज में अच्छा है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। जैसे कुछ स्टेट्स में इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, कुछ स्टेट्स में टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, कुछ स्टेट्स में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो ये एग्जांपल हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, वो सारी सपोर्टिंग सर्विसेज जो हमारे मेन एरियाज में काम आती है। व्हाट आर द मेन एरियाज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। एग्जांपल देख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बोला कि कुछ डायरेक्टली इंपैक्ट भी करता है, कुछ इनडायरेक्टली इंपैक्ट भी करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर दो पार्ट्स के होते हैं, पहला हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान, यहां से एक बार मेरे एमसीक्यू बनाया था, मुझे अच्छे से याद है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट है, तो मैंने उसमें चार सोशल के दे रखे थे, एक इकोनॉमिक का दे रखा। तो ध्यान रखना, यहां से एमसीक्यू भी बन सकता है, यहां से ट्रू एंड फॉल्स भी बन सकता है, यहां से फिलअप भी बन सकता है। ध्यान रखना, वैरायटी कहीं से भी बन सकती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और, इस बार आपको पता होगा असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर पर्टिकुलरली, तो आपको बुक रीडिंग बहुत मस्ट है इस समय। मतलब आपको इंडियन इकोनॉमी की बुक रीडिंग 2 times, 3 times, 4 times जितनी बार हो सके आप उसकी बुक रीडिंग करिए। क्यों? क्योंकि आप बुक रीडिंग करते हो ना, आपके दिमाग में कुछ छप जाता है कि हाँ, ये कुछ स्टोरी हमने पढ़ी थी। जब असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो कभी कभार जो कनेक्टिविटी है ना, वो उसी चीज से पता लग जाती है कि हाँ, वो चीज सही है या गलत है। तो बुक रीडिंग इज मस्ट इन इंडियन इकोनॉमी। तो अगर कोई बोलता है ना कि मैंने इंडियन इकोनॉमी आपको बहुत ही कम पढ़ना है, तो आप नंबर गवा सकते हो इफ यू वांट टू स्कोर द मैक्सिमम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, रेलेवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जरूरी क्यों है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, रेलेवेंस। अच्छा, एक बात बताओ, अगर रेलेवे अगर अभी आईटी नहीं होती, तो क्या आप और मैं पढ़ रहे होते बैठ के, क्या आप लोगों को ऐसे देख पा रहे होते? आंसर इज नो। मतलब हम कह सकते हैं कि नहीं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी मच रेलेवेंट। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जिसके ऊपर पूरी इकोनॉमी, चाहे आपकी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो, चाहे आपकी मॉडर्न इकोनॉमी हो, चाहे आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो, चाहे आपका सर्विस इकोनॉमी हो, पूरी उसकी एफिशिएंट वर्किंग किस पर बेस्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही बेस्ड है। अगर बैंकिंग सिस्टम नहीं हुआ, अगर रोड रेलवेज नहीं हुए, अगर कनेक्टिविटी नहीं हुई, अगर आपका इरिगेशन नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं चलेगा, सब ठप हो जाएगा। लॉकडाउन याद आ रहा है, 26 मार्च आने वाली, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुआ था पिछले साल, हमारे कुछ तालियां बाजा, हमने थालियां पीटी थी, तो वही वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हुआ था, देश रुक गया था। तो वही वाली बात हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सपोर्ट सिस्टम जिसके ऊपर किसी भी इकोनॉमी की एफिशिएंट वर्किंग डिपेंड करती है। ध्यान रखना, तो आपको ऐसे आंसर बनाने हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर बेस्ड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यस। एग्रीकल्चर कैसे डिपेंड करता है, स्पीडी एंड लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न इक्विपमेंट, रेलवे। ठीक है, तो उन्होंने बोला एग्रीकल्चर से कैसे डिपेंड करता है। अगर एक बात बताओ, अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टाइमली मार्केट तक नहीं पहुंचा, तो खराब, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है? द आंसर इज यस। क्या पेस्टिसाइड टाइम पर नहीं आया तो फसल खराब हो जाएगी, फर्टिलाइजर टाइम पर नहीं आया तो सॉइल खराब हो जाएगी। ये चीज क्लियर हो गया, अगर फसल टाइमली वहां पर ना पहुंची तो खराब। इसके अलावा इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है, अगर फसल खराब हो गई तो भी इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जरूरी है अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को चलाना है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, आगे पढ़ा हुआ है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी कंट्रीब्यूट करता है। क्यों? क्योंकि ये तो
प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, और दूसरा क्वालिटी भी इंप्रूव करता है। अच्छा एक बात बताओ, अब ये आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, क्या इससे हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है? द आंसर इज यस, हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। क्या इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, क्या हम पहले से ज्यादा परफॉर्म कर पा रहे हैं? द आंसर इज अगेन यस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इससे एक तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ऊपर से हमारा जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। अच्छा इसके बाद उन्होंने बताया कि अगर हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ तो बहुत काफी एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। मतलब क्या, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं हुआ तो हमारी लेवल पे आपकी हेल्थ पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। कैसे असर पड़ सकता है? अगर हॉस्पिटल्स नहीं हुए तो दिक्कत, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं हुआ तो दिक्कत, प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं हुई तो दिक्कत। तो मतलब क्या, अगर आपका वाटर सैनिटेशन सिस्टम, वाटर सप्लाई, हॉस्पिटल वगैरह नहीं हुई, अगर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ तो यहाँ पर हमारी हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा जो एडवर्स इफेक्ट है वो पड़ेगा। इसके अंदर उन्होंने बोला है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी हमारे हेल्थ पे असर पड़ता है। द आंसर इज यस, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हमारे हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। क्यों? ट्रांसपोर्ट होगा तो एक तो इजिली आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हो, और ट्रांसपोर्ट है तो पॉल्यूशन भी है, ध्यान रख रहे हो, मतलब ट्रांसपोर्ट से पॉजिटिव इंपैक्ट भी आ रहा है और नेगेटिव इंपैक्ट भी आ रहा है। तो एक बार एक क्वेश्चन आया था, एक नंबर में आ गया था कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हेल्थ पर कैसे अफेक्ट करता है। द आंसर इज, ट्रांसपोर्ट से आप तो इजिली पहुंच सकते हो हेल्थ केयर फैसिलिटीज तक, लेकिन वहां से आपको एयर पॉल्यूशन भी आ रही है। तो दोनों तरीके से इफेक्ट पड़ा है। कम्युनिकेशन से क्या होता है, आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हो एम्बुलेंस बुलाने के लिए, या फिर इजीली आप कांटेक्ट कर सकते हो भैया मुझे आप इलाज कर दो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन इलाज भी चलने हुए हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी स्टार्ट हो गई है। तो इन दिस वे इंफ्रास्ट्रक्चर कैन इफेक्ट ऑन योर हेल्थ ऑल्सो। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनएडिक्वेट है तो आपकी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट आएंगे। तो इन्होंने चीज ये लिखी है, अगर हम इंप्रूवमेंट करेंगे वाटर सप्लाई पे और सैनिटेशन पे, जो मॉर्बिडिटी है, मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, बीमार होने की प्रोबेबिलिटी, वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप वाटरबॉर्न डिसीज से बच जाओगे। और उन्होंने बोला है क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ कम्युनिकेशन भी हेल्थ केयर को अफेक्ट करता है, एयर पॉल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट करता है, और अगर कम्युनिकेशन आप इजिली पहुंच जाते हो। तो आई होप आपको ये अभी तक टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो मैं एक बार अभी तक मैं जितना पढ़ा है मैं आपको उसको रिवाइज कराता हूँ, जिससे मल्टीपल डिवीजन करेंगे तो ऑब्वियसली बारह-बारह चैप्टर विद इन द क्लास ही खत्म हो जाएगा। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ऐसा क्यों है कि कुछ एरियाज में कुछ स्टेट्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ बेकार परफॉर्म करते हैं। द आंसर इज, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर एरिया। उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो वो स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अदरवाइज दूसरा नहीं कर रहा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, तो सारे सपोर्ट सर्विसेज जो हमारे मेन एरिया, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे इंटरनेशनल हो, उसके इफेक्ट करती हैं। एग्जांपल्स हमने देख लिए, रोड, रेलवे, एजुकेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, सारा। दो टाइप में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमी में आपका आता है ईटीसी एटसेट्रा करके, याद कर सकते हो ईटीसी एटसेट्रा, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एटसेट्रा। और एजुकेशन में आ गया हमारा हेल्थ एजुकेशन एंड हाउसिंग सेक्टर, आप ऐसे याद कर सकते हो EH2, जबरदस्ती है पर आप रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा रेलेवेंस मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इंडियन इकोनॉमी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए, एफिशिएंटली चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। दूसरा, एग्रीकल्चर के अंदर कैसे रेलेवेंस है, अगर आपका स्पीडली ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, चाहे हेल्थ हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे सीड्स हो, चाहे आपका प्रोड्यूस हो, तो फिर फायदा कुछ नहीं रह जाएगा, नुकसान हो जाएगा। प्लस जो हमारा एग्रीकल्चर है वो बैंकिंग सिस्टम पर और इंश्योरेंस सिस्टम पे बहुत हैवीली डिपेंड करता है, क्योंकि अगर बैंकिंग सिस्टम नहीं होगा तो पैसे नहीं होंगे प्रोड्यूस करने के लिए, और अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो बाय चांस कभी फसल खराब हो जाती है तो फार्मर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, दे कैन नॉट ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी डेवलपमेंट को कॉन्ट्रीब्यूट करता है, कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है और वो आपकी क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को भी हाई करता है। देयर आफ्टर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ तो आपकी हेल्थ पे भी काफी एडवर्स इंपैक्ट कर जाएगा। कैसे, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, फैसिलिटीज अच्छी नहीं है तो पॉल्यूशन होगा, वाटर सप्लाई अच्छी नहीं है तो वाटरबॉर्न डिसीज होगी। तो इन्होंने बोला कि इसको भी इंप्रूव, या ये चीज अच्छी है तो पॉजिटिव इंपैक्ट, ये चीज बुरी है तो नेगेटिव इंपैक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा।
तो आई होप अभी तक हमने जितना पढ़ा हमने एक बार पढ़ लिया और ऊपर से रिवाइज भी कर लिया। अब जो अगला टॉपिक आता है वो है हमारा स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालात हैं? स्टेट का मतलब क्या होता है? सिचुएशन। एक स्टेट होता है बताना, एक स्टेट का मतलब होता है सिचुएशन। सेंटेंस के ऊपर फ्रेम करता है कि आप क्या मीनिंग निकलता है। यहां पर मंगेश पंडित जी बैठे, तो उन्होंने बोला है कि आपको इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर की हालात के बारे में बताना है। तो देखो कुछ ज्ञान की बातें लिखी हुई है, उन ज्ञान की बातें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट ही डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। हाँ या ना? रोड्स कौन बनाएगा? गवर्नमेंट। हॉस्पिटल्स कौन बनाएगा? गवर्नमेंट। ठीक है, एयरपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट कौन बनवाएगा? गवर्नमेंट। क्या आपको लगता है गवर्नमेंट से कुछ अच्छा किया हुआ है? द आंसर इज नो। मतलब गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? इनएडिक्वेट है, मतलब उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो पहली बात उन्होंने बोली कि इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है। गवर्नमेंट इज द सोल पर्सन या सोल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बट उनकी जो इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनएडिक्वेट है, मतलब सफिशियंट नहीं है। और अगर आज की बात करी जाए तो पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। गवर्नमेंट अपना हॉस्पिटल्स बना रही है तो प्राइवेट लोग अपने हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी रोड्स बनवा रही है तो प्राइवेट लोग अपनी बिजनेसेस चला रहे हैं। इन हाउ कैसे ना कैसे करके प्राइवेट बैंक्स आ गए हैं, पब्लिक बैंक्स आ गए हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर हमारी इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट पे ये बात वाली बात बोली। तो पहले पॉइंट में क्या बोला उन्होंने, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है बट इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट है। दूसरे में प्राइवेट और पब्लिक मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। और तीसरे पॉइंट में इन्होंने देखो काफी अच्छी बात बोली है कि काफी सारे लोग आज भी रूरल एरिया में रहते हैं, जो हमारी हमारी जो गांव की औरतें हैं आज भी वो बायोफ्यूल्स यूज कर रही हैं, जैसे क्रॉप रेजिड्यू, मतलब जो खराब क्रॉप होती है, काउ डंग हो गया, लकड़ियां हो गई, जिससे वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, जिससे वो आग वगैरह जला सके, जिससे वो अपना खाना बना सके। आज भी उनके पास वाटर सप्लाई नहीं है तो उनको काफी किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है, पानी लेकर आना पड़ता है या बाकी सारे फ्यूज लाने पड़ते हैं। कि हमने एड टीवी पे बहुत देखा है कि कुछ औरतें होती हैं मटका लेके जा रही होती हैं या फिर खेती जंगलों में निकल जाती हैं लकड़ियां लेने के लिए। तो आज भी हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर गांव के एरिया के अंदर उतना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी नहीं पहुंचा है। क्यों? क्योंकि रूरल वुमेन आज भी बायोफ्यूल्स यूज कर रही है अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, और उनको आज भी लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल करने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको क्या करना है, अपनी जो डेली बेसिस की नेसेसिटीज है उनको फुलफिल करना है। तो अभी तक हमने इंडिया की तीन सिचुएशन देखी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है बट इन्वेस्टमेंट इनएडिक्वेट है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में अपने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, रूरल गवर्नमेंट आज भी बायोफ्यूल्स यूज कर रही है और वो लॉन्ग डिस्टेंसेस वॉक करके जाती है अपने फ्यूल्स को फेच करने के लिए, लाने के लिए, जिससे वो अपनी डेली बेसिस नेसेसिटी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। ये चीज अभी तक हमने देख ली। तो इस नोट्स के हिसाब से हमारा पहला चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है, जरा हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखो अब कुछ टेबल की बात हो रही है, अच्छा टेबल की बात नहीं है, पहले हम ये देख लेते हैं, टेबल की बात हम बाद में करेंगे। देखो फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, इंडिया के अंदर 56% हाउस होल्ड, मतलब इंडिया के अंदर 100 घर हैं तो सिर्फ 56 घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। 44 घर आज भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चल रहे हैं। इसके अलावा इंडिया के अंदर 43% लोग आज भी मिट्टी का तेल यूज कर रहे हैं फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। आप देख सकते हो कितनी बुरी हालत है, 56% लोग घर में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी है, 43% घरों आज भी केरोसिन यूज करते हैं, और गांव के 90% लोग आज भी बायोफ्यूल यूज कर रहे हैं, आज भी वो गैस सिलेंडर यूज नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो जो हमारी गवर्नमेंट द्वारा, अगर आपको पता हो, एक उज्ज्वला योजना है जो लॉन्च हुई है, जिसमें वो जो हाउसहोल्ड्स हैं, हाउसहोल्ड लेडीज हैं गांव की खासकर, उनको फ्री में गैस कनेक्शन दे रहे हैं। तो ये चीज को हटाने के लिए यही स्टेप लिया गया है। पहला क्या, मोर देन जस्ट अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, 43% आज भी मिट्टी का तेल पे यूज कर रहे हैं, और रूरल वुमेन आज भी 90% रूरल वुमेन की बात करी जाए तो वो क्या यूज कर रही हैं, केरोसिन, हाउसहोल्ड याद कर रहे हैं।
अब आता है कि सर क्या ये डेटा याद करने वाला है, तो देखो डेटा तो याद पॉसिबल नहीं होता, आप इतना डेटा याद कर पाओ, लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली याद कर सकते हो कि अगर आपको ये तो याद करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी है केरोसिन है, तो आपको इतना अराउंड 50% अगर आप ऐसे लिख के भी आंसर कर दोगे तो आपका काम चल जाएगा। एग्जैक्ट डेटा याद नहीं होगा आई नो दैट, बट अगर आप अप्रोक्सीमेटली लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब पानी की एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या बोला, सिर्फ 24% लोग हैं जिनके पास पानी पहुंचता है। गांव की बात हो रही है, गांव के अंदर सिर्फ 24% पॉपुलेशन जिसके पास पानी पहुंचता है, बाकी गांव की 76% पॉपुलेशन आज भी ओपन वाटर से पानी यूज कर रही है। क्या बोला मैंने, 24% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इज यूजिंग टैप वाटर, नलके का पानी उनके घर में आता है, बाकी 76% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इज यूजिंग ओपन सोर्सेज जस्ट लाइक रिवर्स, लेक, कैनाल्स, पॉन्ड, टैंक्स, वेल्स एटसेट्रा। ठीक है, और सैनिटेशन गांव में सिर्फ 20% लोगों तक ही पहुंच पाया, 80% गांव में अभी भी प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है इस चैप्टर के लिखने तक, बाद में डेवलपमेंट हुआ है। तो एक बार फटाफट से हम रिवाइज करते हैं, अब तक हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक के अंदर। हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने चीज क्या पढ़ी, कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है लेकिन इन्वेस्टमेंट इनएडिक्वेट है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से काम चल रहा है। तीसरा हमने पॉइंट क्या पढ़ा कि जो रूरल वुमेन है आज भी बायोफ्यूल यूज कर रही है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है। फिर हमने क्या पढ़ा, 50% और अप्रोक्स 50% हमारी पॉपुलेशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ही यूज कर पा रही है, बाकी नहीं कर पा रही है। अराउंड 50% ही हमारी केरोसिन यूज कर रही है, और 90% जो हमारे रूरल हाउस होल्ड है वो आज भी बायोफ्यूल्स ही यूज कर रहे हैं। तो ये 90% तो इजिली याद हो सकता, बाकी अराउंड 50% कर देगा। इसके अलावा टैप वाटर सिर्फ 24% है, और जो 76% पॉपुलेशन है वो ओपन सोर्सेस से याद कर रही है। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर याद कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं है तो बस वही अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेटा स्पेसिफिकली आपसे इनर डेटा नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ डेटा आप रेफरेंस के लिए दे सकते हो। ये हमने जब याद करो, हमने जब हमने वो मार्किंग स्कीम देखी थी उसमें स्पेसिफिकली लिखा था डेटा इज फॉर रेफरेंस पर्पस, स्टूडेंट से डेटा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इतना तो किसी को भी नहीं पता होता तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए। ये चीज क्लियर हो गई। ओके, अब जरा हम टेबल की तरफ जाएंगे, आई होप आपको ये टेबल दिखाई दे रहा होगा। तो टेबल नंबर 8.1 है हमारे सामने, जिसमें लिखा हुआ है सब इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, तो चाइना, हांगकांग, इंडिया, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, सिंगापुर और इंडोनेशिया की बात हो रही है। तो जरा टेबल को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला जो कॉलम है वो उसकी हेडिंग है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी, मतलब इंडिया की पूरी जीडीपी का या जितने भी कंट्री की कितना जीडीपी है, कितना परसेंट हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो चाइना इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 46%, हांगकांग 24, इंडिया 34, साउथ कोरिया 29, पाकिस्तान 15, सिंगापुर 29 और इंडोनेशिया 35। तो अगर मैं टेबल की बात करूं तो हमको यह पता लग रहा है कि इंडिया से ऊपर सिर्फ दो कंट्रीज हैं, पहली कौन सी है चाइना और दूसरी कौन सी है इंडोनेशिया। तो कभी अगर आप टेबल में आ जाए तो आपको रीड कैसे करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट इंडिया का कम है, किससे कम है, चाइना से कम है और इंडोनेशिया से कम है। चाइना का 46% है और इंडोनेशिया का 35% है। तो ऐसे आप टेबल को रीड कर सकते हो, रटने की जरूरत है नहीं, टेबल आपके सामने है, आपको अगर क्वेश्चन दिया गया तो आपको टेबल आपको दिया जाएगा। यू जस्ट हैव टू राइट, यू जस्ट हैव टू रीड द टेबल एंड एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। तो अब आप ऐसे इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा कि उन्होंने क्या बोला गया कि वाटर सोर्स को कैसे इंप्रूवमेंट मिल रहा है, तो 94% पॉपुलेशन इंडिया में क्या है, वाटर सोर्स उनको मिल रहा है, जो कि बाकी कंट्रीज के मुकाबले अभी भी कम है। किससे, सिंगापुर की पूरी पॉपुलेशन को मिल रहा है, चाइना की 96% है, साउथ कोरिया की 98% है। तो मतलब इंडिया भी चौथे पांचवें नंबर पर अभी भी आ रहा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक को। अगर सैनिटेशन की बात करी जाए तो भाई इंडिया की हालत तो सबसे बेकार है, मतलब पाकिस्तान भी इंडिया से ऊपर अगर देखा जाए तो सैनिटेशन के अंदर इंडिया बहुत ही पीछे चल रहा है, ओनली 40%। मोबाइल की बात करी जाए पर 100 लोगों पर मोबाइल कितने पास कितने हैं, तो 79 है। अब तो खैर इंडिया के अंदर मोबाइल की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, लेकिन जो टेबल है वो आपको दे रखा है 2015 का।
और पावर जनरेशन इंडिया में काफी ठीक है, बाकी कंट्री उसके मुकाबले चाइना के बाद इंडिया आता है इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो ये टेबल हमने रीड कर लिया, क्या रटने की जरूरत है? द आंसर इज नो, बस आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। अब पढ़ते हैं कि आगे क्या लिख रखा है। तो देखो उन्होंने चीज दे रखी है, वो टेबल को ही उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जरा देखते हैं टेबल को कैसे एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला हुआ है, स्टेट ऑफ सम इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इन कंपैरिजन टू फ्यू अदर कंट्रीज। तो ऊपर वाला जो टेबल है ना उसी का एक्सप्लेनेशन उन्होंने यहां पर दे रखा है। तो सबसे पहला क्या बोला गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की, वो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट का फाउंडेशन, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर सकती। बट इंडिया इन्वेस्ट ओनली 34% ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जिससे विच इज फार बिलो फ्रॉम चाइना एंड इंडोनेशिया। जो हमने ऊपर पढ़ा वो एक चीज हमने यहां पर बोली कि इंडिया अपने जीडीपी का सिर्फ 34% इन्वेस्ट करता है, जो कि चाइना से और इंडोनेशिया से कम है। तो देखो यहां पर कुछ भी इन्होंने अलग नहीं बोला है। आगे पढ़ते हैं, सम इकोनॉमिक्स ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया विल बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, बन जाएगा। लेकिन इंडिया को अगर ऐसा बनना है तो इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा बूस्ट करना पड़ेगा। मतलब ये अलग ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड नहीं है, इन्होंने बस ऐसे ही बोला है कि कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं इंडिया विल बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, पर उसके लिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने बोला है जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉम्पोजिशन भी बदलेगा। क्या मतलब, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉम्पोजिशन भी बदलेगा। इसका मीनिंग ये है, अगर एक बात बताओ, आज लोग आप स्टूडेंट लोग हो तो आपको 4G इंटरनेट से काम चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। लेकिन आप मान के चलो आगे चल के टेक्नोलॉजी में काम करने लगे, आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो यू नीड मोर स्पीड, तो आपको जो इंटरनेट की फैसिलिटी है ना और अच्छी चाहिए होगी, आपको जो कनेक्टिविटी है वो और अच्छी चाहिए होगी, समझ रहे हो, आपको जो रोड है वो और अच्छा चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि आप अभी आप ऑनलाइन घर में बैठे हुए हो तो पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन कल को आपको मूवमेंट करना है, आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो यू नीड टू वर्क मोर, यू नीड टू मूव हियर एंड देयर, आपको टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चाहिए होगी। तो मतलब इन्होंने क्या बोला, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है, जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड लिविंग हाई होता है, तो आपका जो रिक्वायरमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो भी बदलना चालू हो जाता है। अगर हम गरीब इंसान की बात करें या लो इकोनॉमिक पर्सन की बात करें तो वहां पर वो सादा फोन से भी काम चला रहे हैं तो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी बदलती चली जाती है। ये तो रही बात हमने पर्सन की बात करी, अब बात करते हैं इकोनॉमीज की। कुछ कंट्री है जो छोटी कंट्री है तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा नहीं होता, क्यों? उनकी इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे कंट्री इंक्रीज होती है, ग्रो करती है, तो वैसे वैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। जैसे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री तो दिन ब दिन इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है वो बदल रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन कुछ छोटी कंट्री की बात करें, हम बांग्लादेश की बात करें, ठीक है, हम म्यांमार की बात करें, या और भी बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं, फिनलैंड हो गई, बहुत फिनलैंड पता नहीं छोटी कंट्री है कि नहीं, बेल्जियम हो गई, बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि वहां पर तो पॉपुलेशन कम और उनकी इनकम भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो वही बात इन्होंने यहां पर बोली है, अगर इनकम लो इनकम कंट्रीज है तो वहां पर इरिगेशन ट्रांसपोर्टेशन पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। ये चीज आपको शायद क्लियर हो रही होगी क्योंकि वहां पर अपना खेती बाड़ी कर रहे वही बहुत है, खाना वाना बना ले वही बहुत है, सर्विसेज क्या लेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे इकोनॉमी मैच्योर होती है तो वहां पर सर्विस बढ़ जाती है। जैसे कोई कंट्री छोटी कंट्री है तो वहां पे इंडस्ट्रियल को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। लेकिन कोई कंट्री डेवलप हो गई तो वहां पे सर्विस सेक्टर को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, जस्ट लाइक आईटी, पावर, ठीक है, और हमारा क्या कहते हैं रोड ट्रांसपोर्ट। अगर वो नहीं होगा तो खत्म। अगर मान के चलो अमेरिका में से इंटरनेट हटा दिया जाए, अमेरिका में से टेलीकम्युनिकेशन हटा दिया जाए, अमेरिका 2 मिनट के अंदर नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो। तो जितनी ज्यादा डेवलप इकोनॉमी होती है तो वहां पर सर्विस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आ जाती है। और जैसे जैसे इकोनॉमी छोटी होती चली जाती है तो वो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर तक ही सीमित रह जाती है। आई होप ये चीज आपको समझ में आने चालू हो गई होगी कि हम किस पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे लास्ट टॉपिक पर, ठीक है। एक क्वेश्चन आ गया हमारे एग्जाम के लिए,
डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करो तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, एक्सप्लेन। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोज हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ पकड़ के चलते हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या बोला है? एग्रीकल्चर किस पर डिपेंड करता है? अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, इकोनॉमी के अंदर हमारे कितने सेक्टर आते हैं? हमारे तीन सेक्टर आते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। तो अब तीनों के बारे में उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर हम एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करें तो क्या इफेक्ट होगा, हम सेकेंडरी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ग्रो करें तो क्या होगा, और टर्शियरी में करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो क्या होगा। तो ये चीज यहां पर मैं एक्सप्लेन करने वाले। तो पहला लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, इरिगेशन फैसिलिटीज पर डिपेंड करता है। तो अगर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन अच्छा होगा तो इकोनॉमी ग्रो अच्छी करेगी। दूसरा इन्होंने बोला इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस किस पर डिपेंड करता है? पावर पे और इलेक्ट्रिसिटी पे, ट्रांसपोर्ट पे, कम्युनिकेशन पर, तो ये यहां पर भी इंक्रीज होगा। तो यहां पर उन्होंने सर्विस सेक्टर की बात की और सर्विस सेक्टर में टेली कम्युनिकेशन सेक्टर, और तो यहां पर सर्विस का पॉइंट नहीं दे रखा है, लेकिन आप उस चीज को लिख देना क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर बनाने के मार्क्स मिलेंगे, वेटेज अच्छी खासी मिलेगी। तो यहाँ पर उन्होंने प्राइमरी का दे दिया, सेकेंडरी का दे दिया, टर्शियरी का आप बनाकर लिख देना। तो यहाँ पर आप एक चाहो तो नोट लिख लो कि यहाँ पर आपको एक टर्शियरी का पॉइंट बनाकर खुद से लिखना है, ठीक है, जिससे बाद में आपको याद रहेगा। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नहीं किया तो हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट रुक जाएगी या फिर धीरे हो जाएगी, ठीक है, वो एक बाधा बन जाएगी जिसको आपको पार करना पड़ेगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो एक बार हम फटाफट से रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले। तो सबसे पहले अभी हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ स्टेट में ज्यादा कम होता है कुछ स्टेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ स्टेट कम परफॉर्म करते हैं, क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? सपोर्ट सर्विसेज, एग्जांपल बता रोड, रेलवे, बैंकिंग फैसिलिटीज। दो टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल। रेलेवेंस क्या है? इकोनॉमी की एफिशिएंसी के लिए ज्यादा बेटर है। इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एग्रीकल्चर सेक्टर, स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, इरिगेशन चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। अगर हेल्थ पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो उतना रेलेवेंट नहीं हुआ, तो क्यों? अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है तो पॉल्यूशन, एयरबॉर्न डिसीज, पानी अच्छा नहीं है तो वाटर बॉर्न डिसीज। तो आपका हेल्थ, सैनिटेशन इंप्रूव होना चाहिए, आपका ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होना चाहिए। इंडिया के अंदर क्या हालात है? इसके अंदर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है बट इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट पब्लिक मिलकर काम कर रहे हैं। रूरल वुमेन आज भी बायोफ्यूल यूज करती हैं, लाखों किलोमीटर चल चल के सामान लेकर आती हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट आपको मैंने बोला था, अगर हो सके तो याद कर लेना, 50% अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रिसिटी है, 40% अप्रोक्सीमेटली आपका केरोसिन है, 90% आज भी बायोफ्यूल्स यूज करी जा रही है। इसके अलावा 24% के पास की टैप वाटर आता है, 76% के पास वो ओपन सोर्स है, 20% के पास सैनिटेशन है। कोशिश करो याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके अलावा इंडिया कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 34% इन्वेस्ट कर रहा है। ये तो टेबल से ही आएगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। चाइना और इंडोनेशिया से कम है। इंडिया बिगेस्ट इकोनॉमी बन सकता है अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट करे तो। छोटी कंट्री तो उनकी जो इरिगेशन, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होती है वो इरिगेशन पावर तक ही सीमित रहती है, और जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है उनकी सर्विस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और उन्होंने लास्ट पार्ट जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी डेवलपमेंट हैंड इन हैंड चलता है। आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करो तो एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज होगा, एग्जाम्पल के साथ लिख दे रहा, सेकेंडरी में करो तो वो इंक्रीज होगा, सर्विस में करो तो इंक्रीज होगा। और अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करी, प्रॉपर ध्यान नहीं दिया तो इकोनॉमी जो है वो स्लो हो जाएगी और इकोनॉमी डेवलपमेंट पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आपसे मुलाकात होती है कल, 21 तारीख है, चलिए आपसे मुलाकात होती है कल। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।